हाय एवरीवान वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ सो so, सर्दियाँ अपनी पीक पे आ चुकी हैं सो यस आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ऑप्शन शेयर करूँगी बॉटम वेयर में जो आपको कड़कती और अच्छी खासी ठंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉम एंड कोजी रखेंगे मैंने सूट्स पर या फिर वुलन वेयर पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं बट लेगिंग्स पे या फिर जो बॉटम्स हैं उन पे डेडिकेटेडली ये फर्स्ट वीडियो है सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे मैंने आई थिंक सिक्स पीसेस पिक किए हैं फ्रॉम एमेज़ोन जिसमें हर तरह के हर स्टाइल के बॉटम आपको मिल जाएंगे जो आपको सर्दियों में वॉर्म रखेंगे सो so, जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनके परचेसिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चेकआउट कर लेना आप चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है दहिया अनु नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड जो फर्स्ट है वो लैगिंग है वूलन के अंदर ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एक्चुअली ये कंपाइलेशन वीडियो है कुछ में न्यू पीसेस हैं कुछ जो मेरे पास एग्जिस्टिंग हैं ये वाला जो पीस है ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि सच में ये उसके काबिल भी है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वॉर्म है अंदर से इसके अंदर फ्लीस है और बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है बिकॉज आप इसे ऑलमोस्ट सब चीज़ों के साथ कैरी कर सकते हैं इवन इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न पीसेस के साथ भी बहुत अच्छे से चला जाता है हाई वेस्ट है काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है इसके अंदर आई थिंक ये फ्री साइज़ में आता है और नीचे ये सॉक्स भी इसके साथ अटैच्ड हैं जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप अपनी ड्रेसेस के साथ भी इसे स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि अभी यू नो विंटर वेडिंग सीजन चल रहा है सो so, मैंने विंटर वेडिंग लुक आप लोगों के लिए क्रिएट की है मैं अपने चैनल पर बहुत कम सारी स्टाइलिंग आपके साथ शेयर करती हूँ बट मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती हैं एंड स्पेशली विंटर्स में अगर शादी अटेंड करना है तो हम किस तरह से अपनी साड़ी को पहन सकते हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साड़ी को फ्लॉन्ट कर सकें और साथ में अपने आप को वॉम भी रख सकें सो so, आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा लुक शेयर करूँगी एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा एंड मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा वॉम एंड फील हो रहा था सो so, चलिए वो पूरी लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सबसे पहले हम साड़ी देख लेते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन है ये सिल्क की साड़ी है जिसके ऊपर यू नो पूरा जो थ्रेड वर्क होता है ना वो किया हुआ है कलर इसका मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है सो so, पूरा जो बेस है वो ग्रीन कलर का इस तरह से है एंड बॉर्डर आपको ये मरून मिल जाएगा देन दूसरा ऑप्शन भी मुझे मेरे पास सेम ग्रीन कलर में ही है एंड ये सारी शादी की साड़ियाँ हैं मेरी जो मैं बहुत कम पहनी हूँ ये वाली अगर आप पूछना पूछेंगे कि कहाँ से लिए तो ये मीना बाज़ार करके एक ब्रांड है वहाँ पे मिल जाएगी मतलब वहाँ पे आप तो क्या मिलेगी बहुत पुरानी है दस बारह साल पहले की सो ये जॉर्जेट की साड़ी है और ये वाला मैं मैंगो का मैंने एक ये स्वेटर लिया था फिटेड जो कि वूलन में है वी नेक है तो बहुत अच्छा लगेगा और साथ में ये वाली लेगिंग मैं इसके साथ प्यार कर लूंगी टॉप को मैंने एज ए ब्लाउज पहन लिया है और इसके बाद मैं मेकअप करना स्टार्ट कर रही हूँ अभी सबसे पहले मैंने स्किन को प्रैप किया है क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया नाउ स्किन को इवन बनाने के लिए और फर्दर हाइड्रेटेड रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का 24 के प्राइमर इसके अंदर ना गोल्ड पार्टिकल्स हैं हंड्रेड परसेंट जिसके कारण स्किन काफ़ी ज़्यादा इवन हो जाती है इल्यूमिनेटिंग हो जाती है और लग्जूरियस ग्लो मिलता है इसके अंदर ऑयल कंट्रोल कैपेसिटी भी होती है सो ऑयल भी बहुत कम निकलेगा तो मेकअप आपका लंबे टाइम तक चलता है नाउ इसके बाद मैं बेस मेकअप स्टार्ट करती हूँ जिसमें यूज़ कर रही हूँ ये टू इन वन प्रोडक्ट ये है पर्पल का हाइड एंड सीक क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन कंसीलर स्टिक इसके अंदर फाउंडेशन वाला काम भी हो जाएगा और कंसील भी कर लेगा सो मैं अपने पूरे फेस पे इस स्टिक से अच्छे से इसे अप्लाई कर लेती हूँ और ये वैसे तो क्रीमी है बट जैसे ही आपके फेस पे लगाओगे इसे सेट कर लोगे तो ये पाउडर यू नो फॉर्म में आ जाता है ऐसा आपका केक या क्रीमी इतना नहीं होता कि बाद में ये आपके फाइन लाइन्स में डिपॉजिट हो सो फिंगर से ही मैं इसे अच्छे से ब्लैंड कर रही हूँ और बहुत अच्छे से नेचुरल फिनिश इसकी मिल रही है ब्लैंड भी अच्छे से हो पा रहा है एंड कवरेज के लिए आप फर्दर कवरेज इसकी कर सकते हैं एडिशनली अप्लाई करके इसी के अंदर एक डार्क शेड भी है मेरे पास सो उसे मैं एज ए कॉन्ट्रोल यूज कर रही हूं सो so, क्रीम जो प्रोडक्ट्स हैं वो विंटर्स में बहुत अच्छे होते हैं काफी हाइड्रेटेड एंड ग्लोई मेकअप लुक अच्छी होता है नाउ ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूं पर्पल की चीक के ब्लश टिक इन शेड क्रिमसन किलर फोर इसे बैक ऑफ द हैंड पे लेके मैंने फिंगर्स की हेल्प से अपने चीक्स पे एंड नोज पे लगाया है इसका फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप देख सकते हैं कितना नेचुरल फ्लश ऑफ कलर मेरे चीक्स को मिल रहा है इसके बाद मैं अंडर आई एंड टी जोन को पाउडर कर लूँगी जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना पाउडर नाउ आई मेकअप के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा रखने वाली हूँ और साथ में उसके अंदर गोल्ड कुछ टच हम देंगे क्योंकि साड़ी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कलर है सो so, सबसे पहले तो मैं बहुत ही छोटू सा आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ दिस इज पर्पल जैम स्टोन लव आई शेडो पैलेट जिसमें फोर शेड्स हैं टू मैट शेड्स हैं एंड टू कंप्रेस्ड ग्लिटर सो परफेक्ट है एंड so, बिल्कुल ट्रेवल फ्रेंडली है सो so, मैंने मैट फिनिश के अंदर जो ब्राउन शेड है उसको ओवरऑल अपर एंड लोअर लेड पर लगा लिया एंड देन ये येलो शेड है इसको फर्स्ट थर्ड आई पे लगा के इसके ऊपर कंप्रेस्ड ग्लिटर जो है वो लगा दूंगी और बिल्कुल सिंपल सा हमारा आई मेकअप बट देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा लगेगा आपने बहुत एफर्ट किए है ये कंप्लीट हो गया है ग्लिटर मैंने लगाया ना तो फिंगर से मैंने अच्छे से उसे स्टिक कर लिया और फॉल आउट बहुत ही ज़्यादा कम था नीचे मैंने थोड़ा सा पाउडर एक्स्ट्रा लगाया था तो उसको मैंने फिर रिमूव कर दिया सो फाइनल टचअप मैंने किया है मैट से जो मैंने इनिशियली लगाया था और आई लगाया मस्कारा लगाया दिस इज़ द फाइनल आई मेकअप लुक को मैंने कंप्लीट किया है हाइलाइटर से यह है पर्पल लिड ग्लो क्रीम टू पाउडर हाइलाइटर जिसे मैंने अपने हाई पॉइंट्स पे लगाया और फिंगर से इस तरह से ब्लेंड कर लिया लाइट नहीं आ रही थी तो मैं हेयर स्टाइल का कुछ कर नहीं पाई बट यस yes, आप कल कर सकते हैं स्ट्रेट हेयर रख सकते हैं एंड ये है पूरा लुक सो गाइस पर्पल पे ये सारे प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं पर्पल पे सेल भी चल रही है पर्पल न्यू लुक सेल जो कि सिक्स से थर्टीन जनवरी तक चलेगी नाइन्थ जनवरी को पर्पल कॉस्मेटिक के सभी प्रोडक्ट्स पे बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर है सो अदर डेज पे भी आपको अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे सो so आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आप पूरा फाइनल लुक देख सकते हैं साड़ी के साथ जो मैंने क्रिएट किया है और आप इसे किस भी विंटर वेडिंग में कैरी कर सकते हैं सो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो जो डेफिनेटली आप अपनी शादी में अपनी शादी में या फिर किसी और की शादी में आप जा रहे हैं तो इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं ठीक है नाउन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी लैगिंग का ही है जो बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसी है इसका कलर डिफरेंट है और साथ में ये ना विदाउट सॉक्स वाला पार्ट है ये, सो ये लैगिंग वाला काम करेगा कलर इसके अंदर मैंने पर्पल लिया है बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे जो भी अच्छा लगे आप ले लेना इसके अंदर भी फ्लीस वाली लाइनिंग है ये भी बहुत ही ज़्यादा वार्म है सुपर स्ट्रेची है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपनी कुर्तीज़ के साथ इसे स्टाइल कर लो और साथ में वार्म तो ये रहने वाली है क्योंकि मैंने आपको बताया ना फ्लीस वाली तो बेस्ट होती है एक तो यू नो फील भी होती रहती है कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से स्किन पे जब टच होती हैं नाउ नेक्स्ट भी मैं आपके साथ लेगिंग शेयर करूंगी जो कि है ब्लैक कलर की एंड ये ब्लैक कलर की लेगिंग तो मस्ट हैव है जो आपके कलेक्शन में होनी ही चाहिए क्योंकि ब्लैक कलर की लेगिंग ना सभी के साथ चली जाएगी आपका रेड कलर का वूलन कुर्ता है या आपका येलो कलर का है या फिर ब्लैक कलर का है मरून कलर का है ग्रीन कलर का है सबके साथ ब्लैक इजीली पेयर हो जाता है एंड ये फ्लीस वाला नहीं है ये वूलन वाला ही है मोटा है गर्म रखेगा लेंथ भी बिल्कुल सही है बिल्कुल क्राफ्ट नहीं है या फिर बिल्कुल चूड़ीदार नहीं है परफेक्ट लेंथ इसकी है और मेरी जो हाइट है वो है फाइव फीट सो यस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ये फुली इलास्टिकेटेड है बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है सो so, yes इसके अंदर साइज़ नहीं लिखा हुआ बट अगर साइज़ होगा तो मैंने मीडियम ही लिया होगा सो so, इस तरह का ये है और हो सकता है फ्री साइज़ में भी आती हैं क्योंकि स्ट्रेचेबल होती हैं बट डिटेल्स ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पैंट्स जो कि मैंने इस तरह से कलर इसका रेड है या कैरेट रेड जो होता है ना वैसा कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे सो so, ये वाला जो है ये थिक जो वेल्वेट होता है ना उसके अंदर स्वेड मटेरियल जो होता है ना वैसा है सो so, स्ट्रेचबल uh, भी है बहुत बहुत ज़्यादा थिक भी है एंड वॉर्म भी बहुत ज़्यादा रखेगा और ये पैंट स्टाइल में है सो so, येस yes, आप देख सकते हैं लेंथ आप मेरे ऊपर आइडिया uh, लगा सकते हैं 5.4 पॉइंट फीट पे एंकल्स दिख रहे हैं सो काफ़ी स्मार्ट इसका लुक आ रहा है बिल्कुल जैसे आपकी जो यू you नो know, uh, वो होती है सिगरेट पैंट्स होती है वैसा लुक आ रहा है बट सेम टाइम बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है बहुत नैरो नहीं है नीचे से सो स्ट्रेट फिट वाला इसका लुक है एंड यू नो थिक स्वेड मटेरियल में होने के कारण बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये फुली एलेस टेड है एंड ये भी आई थिंक मैंने स्मॉल या मीडियम साइज में ही ली होगी मैं लिख दूंगी आपको स्क्रीन पर क्योंकि इसके अंदर ना किसी में भी साइज मैंशन नहीं किया हुआ सो so, मैं अपने ऑर्डर्स में जाकर वहां पर चेक करके आपको मैंशन कर दूंगी सो so, ये वाली पेन भी डेफिनेटली आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं इसके अंदर भी कलर ऑप्शन सभी पीसेज में आपको मल्टीपल मिल जाएंगे मैंने एक एक पीस यू you नो know, अलग अलग ब्रांड का पिक किया है बट एक ही कलर पिक किया है सो so, ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी पीस अच्छा लग रहा है उसके अंदर आपको दो या तीन कलर चाहिए तो आप वो ले सकते हैं सो so, ये वाला कलर भी ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इस तरह के जो कुर्तीज़ हैं हम बहुत पहनते हैं या बेज कलर का कोई कुर्ता है मैंने आपके साथ सजेस्ट भी किया था वूलन वेयर में सो so, बेज कलर के कुर्ते के साथ भी इजीली पेयर हो जाएगा अब निटिंग में भी मैंने दो पीसेस पिक किए हैं ये हैं प्लाजो सो so, आपको इसके अंदर वाइड लेग प्लाजो जो होते हैं ना वैसे वाला लुक मिलेगा और ये आपका निटिंग वाला जो स्वेटर वाला जो फैब्रिक होता है ना वूलन होता है उसके अंदर है सो so, इसके अंदर आप देख सकते हैं निटिंग पैटर्न भी क्रिएट किया गया बहुत ही प्यारा और स्मार्ट लगता है सेम टाइम इसका जो वूल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड गर्म तो ऑब्वियसली रखेगा ही नीचे से आपको इस तरह से ये वाइड लेग मिलता है बहुत ज़्यादा वाइड लेग नहीं है और नीचे वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको निटिंग पैटर्न भी डिफरेंट मिलता है बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये काम भी इसके ऊपर हुआ हुआ है टेक्सचर्ड लग रहा है मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं लग रहा और साथ में ये कलर है आपका यू नो ब्राउन डार्क ब्राउन कलर सो so, ये भी बहुत ही ईजिली बहुत सारी कुर्तीज़ के साथ पेयर हो जाएगा आपकी अगर ऑफ वाइट है येलो है इवन रेड के साथ भी आप पेयर कर सकते हैं सो डबल इलास्टिकेट यानी कि फुली इलास्टिकेटेड है बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है इसका आई थिंक साइज़ मिलेगा क्या मुझे फ्री साइज़ में है ये सो so, इसका साइज सभी को आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा ये इलास्टिक है और ब्रॉड इलास्टिक है बहुत ज़्यादा टाइट वाला नहीं है सो so कंफर्टेबल ही रहने वाला है सो so ये वाला पीस भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको वाइड लेग में इस तरह का प्लाजो चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं इवन इस तरह का है जो आप अपने किसी टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हैं अच्छा लगेगा इसका लुक बिल्कुल यू you नो know, वैसे वेस्टर्न बॉटम जो होते हैं ना उस तरह का है फिनिशिंग भी बिल्कुल वैसी ही है और साथ में जो निटिंग के अंदर पैटर्न क्रिएट किया हुआ है ना इसके अंदर टेक्स्चर ऐड हो रहा है सो so, काफ़ी अच्छा लग रहा है प्लाजो के अंदर ही मैंने एक ही गोल्डन या बेज कलर का आप बोल सकते हैं ये भी लिया है ये भी निटिंग वाला है वूलन वाला है गर्म है उससे पहले वाले से ये मोटा है थिक है ये भी फुली इलास्टिकेटेड है इसके अंदर ऊपर तो पूरा प्लेन है वीविंग में नीचे जाके इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन क्रिएट किया हुआ है ये भी कलर ऐसा पिक किया है जो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ चला जाएगा बेज कलर सो so, मरून के साथ ग्रीन के साथ ब्लैक के साथ और सेम इसी तरह के कलर के कुर्ते के साथ ये इजीली पेयर कर सकते हैं सो so, जितने भी पीसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना बॉटम वेयर में इन सब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी अच्छे से वार्म रखेगी कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट करे या छुपे तो so, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं इन सब के परचेजिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए तो आप चेकआउट कर लेना वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर से बताइए कहीं द कमेंट सेक्शन और आगे वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं वो भी आप मैंशन कर सकते हैं सो so yes इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय बाय